शार्क टैंक इंडिया बिजनेस रियलिटी शो तो आप सबने जरूर देखा होगा। आप सबने इसमें सबसे तेज जवाब देने वाले, बात बात पर नाराज होने वाले जज अश्नीर ग्रोवर की बातें भी सुनी होंगी। इनके तीखे तेवर ने सभी का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट किया। अश्नीर ग्रोवर फिनटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर हैं। भारत पे कंपनी की शुरुआत ग्रोवर ने ही की है। हम भारत पे को अश्नीर ग्रोवर का ब्रेन चाइल्ड भी कह सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी की शुरुआत से ही अश्नीर ग्रोवर इसके साथ जुड़े रहे, जिस कंपनी के QR को इन्होंने 0% चार्ज के साथ भारत की हर दुकानों में जगह देने का रिस्क उठाया, जिन्होंने भारत पे जैसी फिनटेक कंपनी को RBI से लाइसेंस दिलवाया, वही अश्नीर ग्रोवर जब शार्क टैंक के जरिए पूरे इंडिया में छाए हुए थे, तभी भारत पे के इस मास्टरमाइंड के साथ क्या हुआ, क्यों इन्हें अपनी ही कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा? अश्नीर ग्रोवर की कहानी देखें तो ये कहानी है स्टार्टअप इंडस्ट्री के बीच विवाद की कहानी। ये विवाद है फाउंडर और इन्वेस्टर का। इस इंडस्ट्री में फाउंडर्स के साथ अक्सर यही कहानी देखने को मिलती है, जहां बोर्ड मेंबर और इन्वेस्टर्स तब उस कंपनी के फाउंडर के खिलाफ हो जाते हैं जब वो कंपनी ग्रो कर चुकी होती है। पर सवाल उठता है कि किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर्स के साथ इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स ऐसा क्यों करते हैं? देखा जाए तो भारत पे की ये कहानी उबर की कहानी से काफी मिलती जुलती है। उबर के फाउंडर ट्रेविस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सवाल सबसे बड़ा ये है, अश्नीर ग्रोवर ने ऐसा क्या किया कि उन्हें अपनी ही कंपनी से रिजाइन करने को मजबूर किया गया? इसमें कोटक का नाम क्यों शामिल होता है और इस पूरे केस में नायका IPO का क्या रोल है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अश्नीर के खिलाफ क्यों हुई? स्टार्टअप इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि फाउंडर्स, जिन्होंने कंपनी को खड़ा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की, उन्हें ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है? इस पूरी कहानी को आप अश्नीर ग्रोवर के द्वारा लिखी गई इस फेमस बुक दोगलापन के जरिए समझ सकते हैं। अगर आप अश्नीर ग्रोवर की पूरी कहानी और स्टार्टअप इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई को समझना चाहते हैं तो इस पूरे शो को बड़े ध्यान से सुनिए। अश्नीर ग्रोवर की ये बुक दोगलापन आपके इन सभी सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और अश्नीर की कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए और स्टार्टअप इंडस्ट्री की इस कड़वी सच्चाई से रूबरू होने के लिए हमारे इस शो के हर एपिसोड को ध्यान से सुनिए, क्योंकि दोगलापन की ये फुल बुक आपको स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कुकू FM।